मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विधायकों से विकास योजना को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। सीएम धामी ने कहा कि सभी विधायक अपने क्षेत्र की 10 औचित्यपूर्ण विकास योजनाओं के प्रस्ताव प्राथमिकता के क्रम में तैयार करें। सीएम धामी के अनुसार इन प्रस्तावों पर विचार विमर्श कर इन्हें समय रहते पूरा किया जाएगा। वहीं धर्मपुर विधायक विनोद चामली ने कहा कि एक अच्छी पहल है, मेरे पास भी चिट्ठी आई है, कोशिश की जाएगी कि समय रहते चिन्हित कार्य पूरे हो सके। पूरे उत्तराखंड को हम सब लोगों ने संकल्प लिया है, हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करना है। तो इसके लिए आवश्यक है कि सभी जगह का, सभी विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए सभी जगह से इस प्रकार की योजनाएं प्राप्त हों, उनको प्राथमिकता के आधार पर हम करेंगे। और जो प्लानिंग है, प्लानिंग के आधार पर जो योजनाएं पहले हो सकती हैं उनको पहले करेंगे, और जिनके दीर्घकालिक जो काम है उनको दीर्घकालिक योजना में सम्मिलित करेंगे। पहल है, मुझे भी चिट्ठी आई हुई है और हम लोग लगातार संपर्क में भी है, बातचीत भी कर रहे हैं। तो जो बड़े काम है, देखिए एक तो रोजमर्रा के काम है, सामान्य काम जो है वो तो हम लोग करते रहते हैं और सरकार भी करी रही है, लेकिन जो बड़े काम कोई चिन्हित अगर करते जिससे लगता है कि कोई कोई कनेक्टिविटी हो सकती है क्या, कोई रोड कनेक्टिविटी हो सकती है क्या, या कहीं कोई कोई बड़ी योजना आ सकती है क्या, तो इस तरह के कोई बड़े कामों को चिन्हित करके सरकार के सामने रखेंगे और सरकार भी प्रयास करेगी कि उन चिन्हित कार्यों को समय पर पूरा कर सके।